विक्टिम यहाँ पर हैं, लेकिन 2013 से उन्हें न्याय नहीं मिल रही है, सीबीआई यहाँ पर इतना एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, तो इसे लेकर उन विक्टिम्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? सीबीआई पूरी तरह एक्टिव है, काफ़ी लोगों के यहाँ छापेमारी भी होती रहती है, उसके लिंक भी ढूंढे जा रहे हैं, और सेंट्रल एजेंसी स्वतंत्र हैं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, वे पूरी तरह अपना काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जो गरीबों का पैसा है वो पैसा वापस उनको मिलना चाहिए, इस विषय में हम कमिटेड हैं। उसमें जो फंसे हुए हैं वो काफ़ी बीजेडी से लिंक्ड है? हम पूरी तरह उसमें कमिटेड हैं कि हम इसके पीछे पड़ेंगे, उनकी संपत्तियाँ जब्त करेंगे, और जिसका पैसा है उसको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, इससे जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता यहाँ कैंपेन करने आ रहे हैं, सभी का ये कहना है कि यहाँ पर देखिए ये सब नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भीतरी दोस्ती है बीजेपी और बीजेडी के बीच में, जो अभी लड़ाई हो रहा है लेकिन इलेक्शन बाद फिर से हाथ मिला लेंगे, इसलिए तो गठबंधन की बात चल रही थी। ये कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, और मुझे लगता है कि वो नवीन बाबू के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ की सरकार की जो बुराइयां हैं इसके लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और इसलिए वो बीजेपी को गाली देने के लिए, ये हकीकत में यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का कोई कारण ही नहीं है। यहाँ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट का चुनाव है, लेकिन वो बचने से बोलने से बचते हैं, इसका मतलब कि सरकार उनकी है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनने वाली है। मोदी जी, ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है आपके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नवीन जी जैसे बड़े कद के नेता हैं, इसीलिए क्या भाजपा हेजिटेट कर रही है कोई मुख्यमंत्री चेहरा को सामने लाने के लिए कि उसका असर पड़ जाए वोट शेयर के ऊपर? मैं नहीं मानता हूँ कि अब देश की जनता इतने सालों के बाद और उड़ीसा की जनता इतने सालों के बाद ऐसे भ्रम में रही। उन्होंने सब कुछ देख लिया है, कौन क्या है, कौन कितना करता है, किसके लिए करता है, कैसे करता है, कौन चलता है, कौन किसको चलाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जनता जानती है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लेकर यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, काफ़ी सारे एबल लीडर्स हैं आप मानते हैं? हम चुनाव जब लड़ते हैं ना तो कमल ही हमारा हर प्रकार से कैंडिडेट होता है, हमारा सिंबल है, उम्मीदवार का सिंबल भी वही है, सरकार बनाएंगे तो भी सिंबल वही है। मोदी जी, आप ओडिशा के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसे वाकिफ हैं, यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट हैं, आपके टीम में भी काफी सारे ओडिया ऑफिसर्स हैं, दल में भी काफी सारे योग्य नेताएं हैं, उड़ीसा को लेकर मोदी जी का विजन क्या है? आप हर बार पूर्वोदय की बात करते आ रहे हैं। देखिए, उड़ीसा समृद्ध राज्य है, लोग गरीब हैं, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज शायद मैं गुजरात के हिसाब से कहूँ तो गुजरात के पास नमक के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान को जो चाहिए हो और भविष्य के भारत के लिए जो चाहिए वो सब यहाँ पर है, उसके बिना हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी अगर उड़ीसा का मानव संसाधन, आज मेरी सरकार में जो मैं अफसर देखता हूँ वो सब उड़िया अफसर है, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उड़िया है, आरबीआई गवर्नर उड़िया है, यानी एक प्रकार से समृद्ध विरासत वाले उड़िया लोग हैं। इतना सामर्थ्यवान प्रदेश कोई हो ही नहीं सकता है, थोड़ा समय चाहिए बस हमें, हम उसकी सारी आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सामर्थ्य है। मोदी जी, हम इलेक्शन के बीच हैं, कुछ चरण खत्म हो गए हैं, कुछ फेजेस बाकी हैं, 400 पार कर लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, इसमें उड़ीसा के योगदान बोथ लोकसभा विधानसभा में क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी 400 पार एनडीए, ये हमारा चार चरण के मतदान के बाद विश्वास और दृढ़ हो गया है। उड़ीसा जो देगा उसको एक नई और ताकत दे देगा, तो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को 400 पूरी चुनाव की लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि हम कहते हैं 400 पार करेंगे, विपक्ष क्या कहता है, नहीं 400 नहीं कर सकते हैं। तो
मुद्दा 400 है और हमें लगता है हम 400 पार करेंगे, उनको लगता है नहीं 400 में रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जनता ने 400 पार करने का तैयार मन बना लिया है। खड़गे जी तो आए थे तो बोले कि साउथ में कहां है भाजपा, तमिलनाडु में, केरला में कहां है। इनका ये भ्रम है, 2019 में भी साउथ में सबसे बड़ी पार्टी हम थे और 2024 में भी मैं कहता हूं कि साउथ में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। और इस समय जिन राज्यों में असेंबली के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी या तो बीजेपी की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार बनेगी, सभी राज्यों में जहां असेंबली का चुनाव चल रहा है। उड़ीसा में कितनी बढ़ोतरी होगी मोदी जी, कुछ प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? मैं समय आने पर बताऊंगा। आखिरी सवाल, मोदी जी के नेतृत्व में भारत नया शिखर छू रहा है, जो हिस्ट्रिकल ब्लंडर थे चाहे वो 370 का हो या राम मंदिर बनाने को, वो सारे हो गए, नेक्स्ट पारी में क्या है? यूसीसी मैं बहुत लंबा मेरा अच्छा अनुभव रहा है, मुझे लंबे अरसे तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, 10 साल प्रधानमंत्री रहा हूँ, अब दुनिया को भी काफ़ी निकट से देखने का अवसर मिला है। मैं टुकड़ों में नहीं सोचता हूँ। जब देश की आज़ादी के 75 साल हो रहे थे तभी मेरे मन में था कि 75 साल एक टर्निंग पॉइंट है, हमने अब भारत की आज़ादी के 100 साल को एक गोल सेट कर देना चाहिए, देश के जनता सामान्य मानवी को भी जोड़ देना चाहिए, हमें यहाँ पहुँचना है। तो 25 साल का मेरा एक गोल है और इसलिए मैं कहता हूँ खुद के लिए 24/7 और 2047 इस मिजाज से मैं काम करता हूँ। हमने बड़ी एक्सरसाइज की है, 20 लाख से ज़्यादा लोगों का इनपुट लिया है और हमने 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। मैंने अफसरों को फिर कहा इसमें से 5 साल का तैयार करें, उसमें से अब इस बजट में हमने 1 साल का बना रहे हैं और फिर मैंने उसमें से 100 दिन का तैयार किया है। अब मैंने सोचा है कि 100 के बजाय मैं अभी 125 दिन का भी बनाऊंगा और 25 दिन मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहता हूँ देश के युवाओं के लिए। तो 125 दिन के काम को लेकर के मैं कर रहा हूँ, तो मेरे मन में साफ है क्या करना, कब करना, कैसे करना, क्यों करना, किसके लिए करना, किस तरीके से करना है, सारे विषय मेरे बहुत क्लियर है। क्या कोई सरप्राइज की उम्मीद हम रखें? मैं समझता हूँ कि जो सरप्राइज है वो सरप्राइज ही रहने देना चाहिए। मैं सरप्राइज अगर आज कह दूंगा तो वो सरप्राइज कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, समय दिए और आपको बहुत सारा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू।